Hello friends. We are going on another problem. Some, but before I explain that problem, some I need to explain what is R H S theorem. So R H S theorem is regarding R stands for R stands for right angle, right angle. H stands for hypotenuse, hypotenuse, and S stands for side.

सेकेंड ट्राइंगल में भी एक साइड बना रहा हूँ दैट इज ऑफ सेवन सेंटीमीटर सो आई हियर देन दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल बना रहा हूं नाउ आई एम ड्रॉइंग आई एम ड्रॉइंग ए साइड विच इज एट सेंटीमीटर विच इज एट सेंटीमीटर विच इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग सो आई एम ड्रॉइंग लाइन which is 8 centimeter long. So this is a line 8 centimeter long. Same way, I am drawing line in another triangle that's 8 centimeter long. So I drew that. And third side will be automatically same. Third side will automatically be same. So let's just verify it whether it is same or not. So let's draw, I think it is of 4.5. So I am drawing it 4.5, right?

राइट दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइड सो अगर ये तीन चीज दो ट्रा में सेम है तो बाकी की साइड एंड बाकी के एंगल ऑटोमेटिकली सेम होंगे सी ये दिस इज दिस 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 वन इज इज एन एंगल तो ये एंगल तो मैंने मेजर करके बनाया नहीं है स्टिल इफ आई मेजर दिस एंगल एंड दिस एंगल दे वुड बी सेम दिस एंगल एंड दिस एंगल दिस वुड बी सेम सो लेट्स लेट्स मेजर देंगल बाई कम पास पास एंड लेट्स मेजर

लेस देन सिक्सटी सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड वॉट इज आर एच एस अगर एक राइट एंगल दो ट्राइंगल में सेम है हाइपोटेन्यूस सेम है एंड एक साइड सेम है तो बाकी के सारे के एंगल्स और साइड्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे नाउ दिस फंडामेंटल थियरम आर एच एस सो लेट्स अंडरस्टैंड वी हैव दिस ए बी सिक्सटीन पूरा का पूरा ए बी सिक्सटीन है ना वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ना ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है वन अपॉन टू पैरल साइड्स का प्लस इसमें पैरल कौन है ए बी एंड सी डी सो ए बी प्लस सी डी इन टू डिस्टेंस बिटवीन दैम और डिस्टेंस बिटवीन दैम है डी एम राइट ओके नाउ वी हैव सॉल्व वन सम लाइक दिस इन प्रीवियस वीडियोज प्रीवियस वीडियो बट लेट्स सोल्व हियर सो so, हमारे पास डी एम नहीं है दैट्स मिसिंग हमारे पास सी एन नहीं है दैट्स मिसिंग राइट सो दैट्स वॉट इज अवर प्रॉब्लम नाउ वी नीड एनी हाउ एनी हाउ वी नीड ए एम एंड एन बी वो मिल जाएगा तो हम आगे जा सकते हैं राइट right? क्यों तो ए एम की वैसे कोई जरूरत नहीं है पर ये पता है ये पता है या राइट एंगल है तो ये मिल जाएगा डी एम तो डी एम तो मिलने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ए एम का मेजरमेंट हो नाओ इतना एट है सी डी एट है तो इधर एम एन एट होगा दैट्स वॉट आई नो दैट्स वॉट आई नो के इतना एट होगा और पर इसमें से बाकी बचे आठ सोलह है टोटल तो इसमें से ये पांच और तीन भी हो सकता है ये चार और चार भी हो सकता है ये एक और सात भी हो सकता है तो ये क्या है हमें फाइंड आउट करना है नाउ यू में से कि दोनों 4 चार चार होंगे राइट right, दोनों सेम होंगे अगर दोनों सेम होंगे तो कौन से रूल के हिसाब से सेम होंगे तो अभी जो हमने आरएचएस समझा वो इसमें काम आएगा सी ये दोनों ट्राइंगल ले लो मैं बिफोर आई एक्सप्लेन इन डीप लेट मी गिव यू रफ आइडिया ऑफ द ट्राइंगल इसमें ट्राइंगल ए एम डी ले लो ए एम डी यानी दिस वन दिस वन लेट मी राइट करेक्टली ए एम डी यस एंड देन ट्राइंगल सी एन बी सी एन बी उसमें देखो एंगल ए एंगल ए सॉरी एंगल ए नहीं एंगल एम यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों 90 है सो हम इधर आर एच एस लगा रहे हैं एंगल एम एंड एंगल एन और ब्रैकेट में लिखेंगे राइट एंगल राइट एंगल देन जितना ए डी है ए डी क्या है हाइपोटेन्यूज है ये ट्राइंगल देखो तो एम डी ए डी जितना है उतना ही कौन है तो उतना है सी बी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दिस इज है तो DM and CN. ये क्या है साइड है तो ये आर एच एस थियरम लग गया यानी बाकी की साइड यानी ए एम एंड एन बी ये दोनों ट्राइंगल में ऑटोमेटिकली सेम होगी सो नाउ आर यू गेटिंग आर एच एस थियरम मुझे क्यों अप्लाई करना है तो अभी मैं बोल सकता हूं कि यह दोनों फोर फोर होंगे और ये टेन है ये फोर है तो आई कैन फाइंड दिस एंड उसके बाद मैं ट्रेपेजम का एरिया ढूंढ सकता हूँ आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अभी आप लोग को समझ आया लगता है सो नाउ लेट्स गो अहेड आई रेस्ड एवरी थिंग वॉट वॉज नॉट रिक्वायर्ड सो दिस इज वॉट इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन ए बी सी डी परपेंडिकुलर है ए बी सिक्सटीन है बी सी टेन है डी ए टेन है सी डी एट है राइट एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस दो ट्राइंगल मैंने ले लिए बी एम ए एंड सी एन बी उसमें क्या क्या सेम है एम एन सेम है राइट एंगल एम डी एन सी सेम है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और साइड है और ए डी बी सी जो टेन टेन दिए हुए हैं यानी आर एच एस थियरम के हिसाब से दोनों सेम है अभी डी एम ए सी एन बी में और क्या है तो जितना ए एम है उतना बी एन होगा राइट एंड डी है उतना एम एन होगा डी है उतना एम एन होगा ये इस पे से नहीं आया थियोरम पे से दैट वी नो कि जितना एट है राइट right? तो अभी रिमेनिंग जो बचा राइट right? ये ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी राइट इज इक्वल टू ए बी ए एम प्लस देखो इसमें किसका प्लस कर रहा हूं मैं तो प्लस एम एन प्लस एन बी तीनों तीन का टोटल सिक्सटीन है उसमें से उसमें से एम एन जो है इतना जो है वो एट है तो उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे इधर दैट्स ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी एट है राइट इधर एम एन एट है और ये जो है एन बी उसकी जगह मैं एम लिख रहा हूं क्योंकि एम और एन बी सेम है दोनों जगह एन बी एन बी लिखना हो तो क्योंकि एम बराबर एन बी है तो एन बी बराबर एम भी हुआ तो भी लिख सकते हैं राइट टू एम प्लस एट टू एम इज इक्वल टू एट एम इज इक्वल टू एट अपॉन टू ए एम इज इक्वल टू फोर नाउ आई नो वट्स गोइंग ऑन योर माइंड यू माइंड बी थिंकिंग मेथड दिखानी जरूरी है बिकॉज तुम्हें समझ आ गया होगा चार चार कैसे है पूरा सिक्सटी है एम एन ये पूरा सिक्सटीन है एम एन एट है तो ये दोनों ए एम और एन बी का टोटल एट होगा उसमें से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आर एच एस थियरम के हिसाब से कॉन्ग्रेंट हैमिलर है तो ए एम भी चार एन बी भी चार लेकिन ये मैथड जरूरी है ना वी विल फाइंड ई वी विल फाइंड ई डी एम DM. तो क्या फॉर्मूला बनेगा जहां पे राइट एंगल बनता है उसके आजू-बाजू बाजू इक्वल टू तो एक एम डी स्क्वायर को अकेला कर दो सिक्सटीन को वो साइड ले जाओ सिक्सटीन को मैंने वो, वो साइड ले लिया दैटी फोर एटी फोर के स्मॉलेस्ट पार्ट कर दो उसमें से कौन कौन बाहर आएगा राइट right? ओके okay. 84 फोर के स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं किया आई जस्ट कैप्ट इट लाइक दिस नाउ ट्रेपेजम का एरिया ढूंढना है वन अपॉइंट टू पैरल साइड्स का प्लस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड्स पैरल साइड्स का प्लस है एट प्लस सिक्सटीन एंड सी एन हमें मिल गया सी एन एम डी दोनों सेम है राइट ओके सिक्सटीन प्लस एट इंटू रूट एड दिस टू ना कोई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं टू इट सिक्स नो पहलेन यू कैन डू दे प्लस कर रहा हूं पहले मैंने प्लस कर दिया ना रूट एटी फोर नाउ इट विल बी ट्वेल्व रूट एटी फोर अभी मैंने यहां पर पार्ट किया वहां पर मैं पार्ट कर देता तो एटी फोर के तो भी चलता है राइट आई डी डिट लेटर नाउ ट्वेल्व इंटू टू इंटू रूट ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर रूट ट्वेंटी वन स्क्वायर सेंटीमीटर आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड जिसको आर एच एस थी समझ में आया आई टू कन्वे थ्रू आर एच एस दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए ये A -T, A -T, ये ये है 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 जितना तो दोनों चार चार महीने कर दिए आई थिंक ये जो मेथड है यू माइट फाइंड इट बोरिंग चार बताने के लेकिन यू हैव टू शो इट बाई द मेथड सो हियर वी आर कंप्लीटिंग ऑल सम्स नाउ नाउ वी वी आर मूविंग ऑन एमसीक्यूज वेरी इजी फर्स्ट एमसीक्यू क्या बता रहा है ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है semi Now, it's very easy. By two, semi तो सेमी पैरीमीटर नाउ इट्स वेरी इजी तीनों तीन साइड का प्लस करके डिवाइड बाय टू सेमी पैरीमीटर तो एट प्लस सिक्स प्लस टेन डिवाइड बाय टू सो दैट विल गिव यू ट्वेल्व सो आई थिंक दिस इज द मेथड एंड यू कैन राइट डाउन दिस एमसीक्यू इन योर नोटबुक एंड यू कैन सॉल्व इट लेट्स सॉल्व अनदर एमसीक्यू वी हैव या We have been told parallelogram ए बी सी डी इस ए जो पैरलोलोग्राम बता रहा है ए बी पैरल सी डी है बी सी पैरल डी है ए बी बी सी ए बी एट है बी सी टेन है देन पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ना प्रॉपर्टी क्या है पैरालोलोगोग्राम की अपोजिट साइड्स आर सेम तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये मैंने एक पैरालोलोग्राम uh, बना दिया ए बी सी डी और उसमें मेरे पास क्या मेजर है ए बी एट है तो आई विल राइट एट हीयर एंड आई विल राइट टेन हीयर ये एट है तो ये एट है क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है चैप्टर नंबर टेन सो दिस इज ऑल्सो टेन राइट So, 10 plus 10, 20 plus 8, 28, 30, 36. So, this is what I got. But let me show it to you by method. Right. Perimeter is equal to is at k plus. So, AB plus BC plus AC plus AB plus BC plus CD plus DA. So, that's 36. So, thanks for watching this video. Remaining uh, MCQs we will solve in the next video. Thank you so much.